दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछले दिनों मैं यात्रा पर था राजस्थान की और मैंने खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन किए और मैं सालासर धाम गया, वह हनुमान जी के दर्शन किए। उसके बाद मैं बीकानेर गया, वहाँ मैंने करणी माता जी के दर्शन किए। लेकिन इसी बीच मुझे एक बहुत बुरी खबर मिली और वो खबर थी बजीरेक्स के हैक की। बजीरेक्स से करीबन $233 मिलियन का क्रिप्टो करेंसी हैक हो गया। दोस्तों आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि इतनी इंटेलिजेंट लोग होने के बावजूद भी और इतने एक्सचेंज जो हैं वो लगातार हैक होने के बावजूद भी लोग बाग आज तक उस चीज़ को क्यों नहीं समझ पाए हैं, क्यों नहीं अपना सेफ्टी मेजर जो है वो ले पाए हैं। दूसरी मैं बात करूंगा बिटकॉइन, इथेरियम और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में कि आने वाले टाइम में बुल रन जो है वो कितना नज़दीक है, क्योंकि बहुत ऐसी खबरें आ रही हैं अच्छी जो अमेरिका की तरफ से हैं, जहां इलेक्शन में मिस्टर बाइडन ने अपने आप को ड्रॉप आउट कर लिया है और ट्रंप जो है वो अभी मेन भागीदार बन गए हैं और ट्रंप जो है वो ऑलरेडी इस तरीके से प्रो क्रिप्टो है। तीसरी मैं बात करूंगा पिक्सल वर्स की तरफ से और वहां के बारे में खबर आ रही है कि भैया वो हो गया है स्कैम, लेकिन उसके बारे में भी कुछ नई अपडेट आई है जो मैं आपसे बात करूंगा। मेरा नाम है आरके गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अन विद आरके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो बजीरेक्स है वो एक तरीके से हैक हो गया और वहाँ से करीबन $230 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी हैक हो गई। ये एक बहुत छोटी अमाउंट नहीं है, करीबन 2000 करोड़ रुपए का माल जो है वो चोरी हो गया, हैक हो गया। और इसके पीछे जो लोग थे वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक लेजार्ड करके एक ग्रुप है, हैकिंग ग्रुप है जो नॉर्थ कोरिया से चलता है और नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट इसको जो है वो चलाती है। और वो जो ग्रुप है वो केवल दया उसने हैक नहीं किया है, उससे पहले भी करीबन उसने 20-25 इस तरीके के एक्सचेंजेस जो है वो हैक कर चुका है और काफी बड़े बड़े उसने अटैक किए हैं, साइबर अटैक किए हैं। लेकिन बात ये उठती है कि शुरू से लेकर 2011 से लेकर अगर मैं एमटी गॉक्स की बात करता हूं, एमटी गॉक्स से लेकर अभी जो एक्सचेंज हैक हुआ है बजीरेक्स, उसके बीच में करीबन 10-15 एक्सचेंजेस जो है वो हैक हुए हैं, इससे ज्यादा भी एक्सचेंजेस हैक हुए होंगे। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि भैया जो लोग एक्सचेंज चलाते हैं वो मैं समझता हूँ कि प्रो क्रिप्टो होते हैं, प्रो टेक्नोलॉजी होती है, बहुत बड़ी उनकी टीम होती है, सारा कुछ बहुत समझदार होते हैं, उसके बावजूद भी क्रिप्टो एक्सचेंज कैसे हैक हो जाती है। हम लोग जो हैं, अगर मैं एक आम जनता की बात करूं, जो लोग क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, एक आम लोग हैं, उन लोगों की फिर क्या बसात है कि भैया वो अपने क्रिप्टो को किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों सोचने की बात यह है कि बजीरेक्स जो था वो मल्टी सिंग वॉलेट यूज करता था। मल्टी सिंग वॉलेट का मतलब यह है कि जब तक उसमें जितने लोग ऑथराइज हैं सिग्नेचरी, वो सिग्नेचर नहीं करते हैं तब तक आपको उसका एक्सेस नहीं मिलेगा, तब तक आप वहां से कोई भी पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो उसमें जो थे करीब 6 लोग ये थे वो सिग्नेचरी थे और भैया ये जो फेस होता है, जो मतलब 12 अक्षरों का फेस होता है, इसको बांट दिया जाता है। इसका पूरा वीडियो जो है वो मेरे दूसरे YouTube चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं कि किस किस तरीके से इसको हैक किया गया और क्या तरीके हैं इसे बचने के। वो मैंने पूरा वीडियो जो है वो हमारे लड़के ने आपको क्रिप्टो कोर्स में बना रखा है, टेक्निकली आपको उसको देखना चाहिए और आप जाइएगा। तो अब बात प्रश्न ये उठती है कि इतने सारे जो साइन करने वाले थे उसके बावजूद भी एक्सचेंज जो है वो हैक हो गया। कहते ये है कि इन्होंने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रखा था जिसके द्वारा ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिजर्ड ग्रुप ने किसी तरीके से एक्सेस करके उसको चेंज कर दिया और वहाँ क्या हुआ कि दो किसी तरीके से जो साइन थे वो इनके मिला लिए गए और उसके बाद ये एक्सचेंज कर दिया गया। तो ये बहुत सारी एक अंदर की चीज़ है, लेकिन आप वीडियो में देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि बहुत सारे एक्सचेंजेस जो है वो ऑलरेडी जो है वो हैक हो चुके हैं। तो क्या भैया जो बजीरेक्स के CEO हैं वो उन लोगों को ध्यान में नहीं रख के काम कर रहे थे। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि 233 मिलियन का जो एसेट था उन्होंने एक ही वॉलेट में क्यों रखा हुआ था, 2-3 वॉलेट क्यों नहीं यूज करते। भैया हम लोग जो छोटे छोटे क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं वो भी करीबन 3-4 वॉलेट, मैं भी हमेशा अपने वीडियो में बोलता रहता हूँ कि आप
कम से कम हार्डवेयर 3-4 वॉलेट रखिएगा। अगर आपके पास 1-2 बिटकॉइन है तब भी आप उसको 3-4 जगह डिवाइड करके रखिएगा। लेकिन ये लोग इतने समझदार हैं कि ये केवल 2 वॉलेट यूज़ कर रहे थे, जिसमें एक वॉलेट में $233 मिलियन था, और $233 मिलियन को ये वो लोग हैक करके ले गए। अब प्रश्न ये उठता है कि भैया इन्होंने जो हैकिंग हुई है उसका इंश्योरेंस करा रखा था या नहीं करा रखा था, लेकिन इसका कोई भी उत्तर जो है वो अभी तक नहीं मिला है बजीरेक्स की तरफ से। यहां मैं एक्सचेंज पे दिखाना चाहता हूं कि आर क्रिप्टो एक्सचेंजेस अकाउंट इंश्योर्ड, कि जो क्रिप्टो करेंसी अकाउंट हैं वो इंश्योर होते हैं या नहीं होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इंश्योरेंस देती हैं, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इंश्योरेंस देती हैं, जिसमें एक नाम है बिटगो का, एक नाम है क्वाइन कवर का, एक नाम है कर्व का, चौथा नाम है लॉयड ऑफ लंदन का। तो ये काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो एक्सचेंजेस को इंश्योरेंस देती हैं, लेकिन बजीरेक्स ने भैया इन्होंने इंश्योरेंस क्यों नहीं करा रखा था, इसका उत्तर उनको देना पड़ेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो पैसा जो हैक हुआ है वो रिकवर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही कम उम्मीद है कि ये पैसा रिकवर हो जाए। अब देखिए, इन्होंने एक बाउंटी प्रोग्राम चला रखा है जिसमें ये करीबन 10% जो अपना इनका हैक हुआ है उसको 10% ये देने को तैयार है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। इन्होंने कहा है कि $23 मिलियन हम आपको, मतलब मोटा मोटा 200 करोड़ रुपए हम बाउंटी प्रोग्राम दे रहे हैं कि अगर कोई भी बंदा इस चीज को रिकवर करा सकता हो या उनके अकाउंट को एक तरीके से बंद करा सकता हो, ब्लॉक करा सकता हो, किसी भी तरीके की कोई भी टेक्निक अपना सकता है, किसी तरीके से निकाल सकता है, तो इनको उनको 200 करोड़ रुपए मतलब $23 मिलियन ये देने के लिए तैयार है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो ग्रुप है जिसने इसको हैक किया है ये बहुत ही खतरनाक ग्रुप है। नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट इसको चलाती है। इसके कम से कम नॉर्थ कोरिया में 200 से ज़्यादा जो है वो करीबन इसके ऑफिसेज हैं, और इसमें कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग जो हैं, जो हैकर ही हैकर हैं, वो इसमें काम करते हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड इसमें हैकिंग का काम करते हैं। और इन्होंने जो शुरुआत की थी वो 2003 या 2004 में शुरुआत की थी, जिस समय इन्होंने साउथ कोरिया के कई जो बैंक थे उनको हैक किया था, बांग्लादेश के बैंक को हैक किया था, उसके बाद सोनी के ऊपर इन्होंने बहुत बड़ा अटैक किया था, सोनी पिक्चर्स के ऊपर उसको हैक किया था, फिर उसके बाद अमेरिका के बहुत सारे कंप्यूटर्स को इन्होंने हैक किया था, कुछ मेडिकल लाइन के हॉस्पिटल्स के इन्होंने कंप्यूटर हैक किए थे, और इन्होंने जो रैंसम मांगते हैं ये क्रिप्टो करेंसी जैसे ही आई तो इनके लिए बल्ले बल्ले हो गए, और ये जो क्रिप्टो करेंसी में अब रैंसम मांगने लगे, तो इसके पीछे उम्मीद ये बहुत कम की जा सकती है कि ये आपका अमाउंट जो है वो रिकवर हो जाए। लेकिन मैं उम्मीद ये करता हूँ, और मैं कम्युनिटी के साथ खड़ा हूँ, आप लोगों को भी कम्युनिटी के साथ खड़ा होना चाहिए कि ये पैसा जो है किसी तरीके से रिकवर हो जाए, और आगे से हमारी हिंदुस्तान की जितनी भी एक्सचेंजेस है उनके लिए ये एक रेड लाइट है कि अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइएगा, कोई भी बंदा आपको इस तरीके से हैक कर सकता है। देखिए, इनके पीछे बहुत बड़ी टीम है हैकर्स के पीछे, और इन्होंने बहुत पैसा लगा रखा है, तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। और मैं हमेशा, जितने भी हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स हैं और जो क्रिप्टो में चला रहे हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को एक जगह मत रखिएगा, बांट के रखिएगा। 3-4 तरीके के आप हार्डवेयर ले लीजिएगा, हार्डवेयर की कीमत ज़्यादा नहीं आती, 6-7 हज़ार से 12-13 हज़ार तक का हार्डवेयर वॉलेट होता है, उसको फॉर्मेट करिएगा प्रॉपर तरीके से, उसके बाद उसमें आप रख सकते हैं आप अपने जो भी क्रिप्टो करेंसी है उसको बाइफरगेट करके रखिएगा, और कुछ क्रिप्टो करेंसी आप एक्सचेंज में भी रख सकते हैं जहाँ आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। ये मैं आपको हमेशा पिछले कई वीडियो में आपको पहले से बता चुका हूँ। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ पिक्सलवर्स के बारे में, और पिक्सलवर्स भी जो था वो बहुत ही एक तरीके से फेमस गेम था, काफ़ी लोग इसमें आप टपा टप करके इसमें गेम खेल रहे थे, जैसे हैमस्टर कॉम्बैट में खेल रहे थे, और हैमस्टर में भी वही चीज़ें चल रही थी जैसे पिक्सल में चल रही थी। लेकिन आज क्या हुआ कि पिक्सलवर्स का जो अकाउंट था, जो आपका ट्विटर अकाउंट था, उसको एक तरीके से सस्पेंड कर दिया, लेकिन इनकी इतनी पहुंच होगी कि इन्होंने वो आज दोबारा से
चालू कर लिया, मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। यहाँ बहुत सारे जो न्यूज़ थी वो जो कल आ रही थी कि ये स्कैम हो गया है, स्कैम हो गया है, स्कैम हो गया है, लेकिन अब जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि ये इनका दोबारा से चालू हो गया है। 3.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके और ये दोबारा से इसको चालू कर गए हैं। लेकिन देखिए बात क्या है कि जो इनका एयर ड्रॉप आ रहा है वो एयर ड्रॉप में इन्होंने एक बहुत बड़ा ट्विस्ट कर दिया है कि अगर आप एयर ड्रॉप लेते हैं तो उसमें से केवल 10% आप निकाल सकते हैं। मतलब अगर $100 आपको मिलते हैं तो आपको $10 निकालने पड़ेंगे और जो $90 आपके रहेंगे वो जीरो हो जाएंगे अगर आप निकाल लिए, और उसको अगर आप स्टेकिंग करते हैं 2 साल के लिए तो वो आपके $90 के $100 पूरे बने रहेंगे। मतलब 2 साल 2 महीने तक आपको इसको स्टैक करके रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कितना बड़ा, एक तरीके से कितने लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं और कितना फ्री का पैसा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरीके के जब भी किसी गेम में फंसेंगे तो यही कहानी होती है कि जब आप लास्ट में देखते हैं तो वही होता है कि माइनस प्लस करते हैं जब, तो जीरो जीरो ही आता है नीचे। मतलब अगर आपको $10 भी मिल गए, $20 भी मिल गए और आपने दो दो तीन तीन घंटे चार चार घंटे ऐसे गेमों में फंसाया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब मैं थोड़ा सा हैमस्टर कॉम्बैट के बारे में भी आपको क्लियर कर दूं। हैमस्टर कॉम्बैट में एक मिनी गेम लेकर आए हैं जिसमें आपको की को आपको जो है वो निकालना पड़ेगा। करीबन 10 की आपको मिलेगी डेली, आपको एक एक की जो है वो रिलीज करनी पड़ेगी। एक मिनी गेम इन्होंने चालू किया है। तो ये जो क्या है कि डेली नए नए अपडेट लेकर आ रहे हैं और ये जो है आपकी साइकोलॉजी से खेल रहे हैं, क्योंकि लोग बाग जो हैं चाहते हैं कि किसी तरीके से फ्री का किसी तरीके से पैसा मिल जाए। लेकिन दोस्तों हमेशा ध्यान रखो कि जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, देखिए अभी जो है करीबन 250 मिलियन लोग इसमें जुड़े हुए हैं। भैया 250 मिलियन अगर लोग इसमें जुड़े हैं, और एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर ये $10 भी देते हैं तो कितना बनता है, 2500 मिलियन कम कीमत नहीं होती है, 250 मिलियन ही 2000 करोड़ बनता है करीबन। तो 2000 करोड़ का मतलब हो गया 20,000 करोड़ रुपए इनको बांटना पड़ेगा। लेकिन ये जो गेम आते हैं ये पैसे लुटाने के लिए नहीं आते, ये जितने भी गेम बनाते हैं ये पैसे कमाने के लिए बनाए जाते हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब ये आगे क्या करेंगे कि जो 250 मिलियन है उसमें से करीबन 90-95% लोगों को डिसक्वालीफाई कर देंगे किसी भी तरीके से कि आपने की नहीं ली, आपने ये नहीं लिया, आपने अपडेट नहीं किया। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इस तरीके की ये चीज़ें होती हैं ये बहुत ट्रिकी होती हैं, ये आपके एक तरीके से माइंड गेम होती हैं और आपको उसमें फंसाने की एक बहुत बड़ी तरीका होता है, अपनी कम्युनिटी को बढ़ाने की तरीका होता है और उसी कम्युनिटी से आपसे पैसा कमाया जाता है। आप देखो गूगल जैसे है या माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल क्या है, आप फेसबुक यूज़ करते हैं, गूगल यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, फ्री में यूज़ कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं और टाइम लगाने के बावजूद आपको कुछ नहीं मिलता। लेकिन मिलता किसको है, जो ट्विटर चला रहा है एलन मस्क वो पैसे कमा रहा है, जो गूगल चला रहा है वो पैसे कमा रहा है, क्योंकि उसकी उसने कम्युनिटी जो है वो फ्री में दे देकर इतनी बड़ी कर दी कि अब उस पर वो ऐड भी चला सकता है, उसके पैसे लेता है, मोटे पैसे लेता है और आपको पैसे भी देता है। तो इस तरीके की चीज़ें आप देख रहे होंगे, ये सारी चीज़ें एक माइंड गेम होती हैं और इस माइंड गेम को भुनाना जो है वो इन विदेशियों के हाथ में बहुत अच्छी तरीके से आता है। दोस्तों अब मैं एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूं और वो खबर आ रही है इथेरियम ETF की तरफ से, और इथेरियम ETF जो है वो आपको बहुत ही जल्दी एक दो दिन में जो है वो लाइव होता हुआ नजर आएगा। तो यहां ये खबर आप देख सकते हैं कि इथेरियम की जो लिस्टिंग है एक तरीके से कंप्लीट हो गई है, उसके पेपर्स भी जो हैं वो एक तरीके से कंप्लीट हो गए हैं और 2-3 दिन में आपको ये इथेरियम जो है वो आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ ही इसके प्राइस भी जो हैं वो मेरे उम्मीद करते हैं कि $5,000 से $6,000 तक इसके जा सकते हैं। देखिए अब जो बहुत बड़ी खबर कल रात आ रही थी वो मैं बताऊं, वो ये थी कि विडेन ने जो अपना प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन लड़ रहे थे उसको अपने आप को ड्रॉप कर लिया और उन्होंने एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं अब आगे इसमें नहीं लड़ना चाहता, और उन्होंने कमला हैरिस को एक तरीके से प्रमोट किया है। यहां मैं आपको एक स्क्रीन पर दिखा देता हूं
कि क्या खबर आ रही है। यहाँ देखिए, उन्होंने कमला हैरिस को इन्होंने प्रमोट किया है, और भैया कमला हैरिस के नाम से एक टोकन बना हुआ है, बिडेन के नाम से भी टोकन बने हुए हैं, सारे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं मोदी के नाम से भी टोकन बने हुए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो टोकन है ये एक तरीके से हाइप में आ गया, आपको मैं नीचे दिखा देता हूँ। ये जो था सोलाना बेस एक तरीके से कमला टोकन है, यहाँ देखिए एकदम हाइप हुआ, ये काफ़ी ऊपर चला गया, और यहाँ ये जो बिडेन साहब का जो टोकन था ये काफ़ी नीचे हो गया है। तो इस तरीके के टोकन भी बना दिए गए हैं इन लोगों के, और उम्मीद अब क्या की जा रही है इसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो बिडेन हैं वो प्रो क्रिप्टो नहीं थे, वो बिटकॉइन को नहीं मानते थे, वो चाहते थे कि रेगुलेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से टाइट किया जाए, लेकिन जो ट्रंप भैया हैं वो तो बहुत ही प्रो क्रिप्टो हैं, बिटकॉइन को मानते हैं, और अभी एक जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है नेवेली में उसमें भी वो जाएंगे और वहाँ भी वो बोलेंगे, काफ़ी बड़े बड़े लोग वहाँ आ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी वहाँ पहुँच रहे हैं, तो वहाँ वो अपने विचार जो हैं वो व्यक्त करेंगे। तो काफ़ी अच्छा, इस खबर के बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट में काफ़ी उछाल आया। मैं अभी अब मार्केट को भी दिखा देता हूँ और उसको आप देखिएगा तो उससे आपको मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ एक तरीके से कप एंड हैंडल बन रहा है, और कप एंड हैंडल आपको पता होगा कि बहुत ही तगड़ा बुलिश एक तरीके से मार्क होता है अगर क्रिप्टो करेंसी में एनालिसिस टीए करते हैं। दूसरा आप यहां देखिए कि एक फाइलिंग विजिट भी बन रहा है, ये भी इंगित करता है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है वो आगे बढ़ेगा, स्पेशली बिटकॉइन का प्राइस दिखा रहा हूं चार्ट। तो यहां ये बिटकॉइन के प्राइस का चार्ट जो मैंने आपको दिखाया है, ये आराम से आप देखिए मैंने जो दिया है $1,00,000 का, और ये $1,00,000 का जो है वो 6 जून के आसपास पहुंच जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों जिस तरीके की उम्मीद लग रही है कि जिस तरीके से बिडेन ने ड्रॉप आउट किया है, तो ये अगस्त सितंबर में भी आपको देखने को मिल सकता है कि $1,00,000 आराम से ये क्लियर हो जाए। अब मैं थोड़ा सा इथेरियम के बारे में भी दिखा देता हूँ। इथेरियम भी जो है वो आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन के साथ साथ चलता है, बिटकॉइन के पीछे पीछे चलता है। तो यहाँ भी बिटकॉइन इथेरियम का प्राइस जो था वो करीबन $3,400 के आसपास चल रहा था, और आराम से ये इथेरियम जो है जैसे ही आप देखेंगे ETF आएगा, ETF के बाद थोड़ा बहुत नीचे हिचकोले तो ज़रूर खाएगा, लेकिन अल्टीमेटली इसका जो टारगेट है वो करीबन 6,400 तक जा सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें मैं आपको हमेशा जो बताता रहता हूँ वो इसलिए बताता हूँ कि आप मोटिवेट रहें, और आपको जो छोटी मोटी चीज़ें आती हैं कि जर्मनी ने बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उससे आप घबराएं नहीं और जुड़े रहें क्रिप्टो करेंसी के साथ। अगला वीडियो में बनाऊंगा कुछ ऐसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में, कुछ ऐसे कॉइन्स के बारे में जो अभी लो कैप हैं और आने वाले टाइम में आपको मल्टीपल आपको प्रॉफिट दे सकते हैं, तो उसके साथ मैं आपको जरूर लेके जाऊंगा और अगला वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों काफ़ी कुछ अपडेट और न्यूज़ हुई, अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के सामने फिर उपस्थित होंगे। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, घंटे का बटन दबा लो, जिससे हमारी नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिलती रहे। दूसरा क्या होता है कि टाइमली वीडियो नहीं बन पाता, तो ट्विटर पर टेलीग्राम पर हम आपको हमेशा 24/7 आपको अपडेट देते रहते हैं। तो अगर आप उससे नहीं जुड़े हैं तो आप वहां जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम में हम आपको बहुत अच्छे अच्छे आपको सिग्नल्स भी देते हैं, जहां आप 30% 40% 50% आराम से आप कमाते हैं, तो इसमें कोई भी शक नहीं है। तो आप इन सबको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके वहाँ ज्वाइन कीजिएगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।